फिर उसके बाद 6-7 लाख का कुछ काम है वो होगा। एसी लगने हैं, 6 एसी लगने हैं। हम खुद के पैसों से लगवा लेंगे, खुद कमाएंगे, खुद लगा लेंगे। भाई यार क्या मौसम हो रहा है ना, इतना सुंदर इतना सुंदर। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के डायन। अम्मे बहुत तेज मारे। नहीं बुरी बात तेज नहीं मारते। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा समय। हाय जानो, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग से। मैं हूँ आप सबकी प्यारी का, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप लोग ही, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था क्योंकि घर में हमारे थोड़ा बहुत काम भी शुरू हो रहा है, मतलब एक्चुअली हो ही चुका है ये समझ लो। अभी नीचे बहुत सारे अंकल आए हुए हैं सारा काम वाम करने के लिए और इतने दिन से वीडियोस वगैरह का, और ऊपर से इतने दिन से मुझे घर के फर्नीचर के लिए इधर से उधर भागना पड़ा देखने के लिए क्या क्या लेके आना है कैसा कैसा है। तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है, बस अब लेके आना है, पसंद भी कर लिया है कौन सा बेड आएगा कौन सा सोफ़ा आएगा, सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा है। तो आज के ब्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही। इनके ऊपर हम एक छोटू मोटू सा प्रैंक भी करने वाला है और देखो। और अभी मैं जा रहा हूँ मंडे मार्केट, अभी जो हमारे जो हम कर्टन्स लेके आए थे ना पर्दे वगैरह, उसमें से जो ईद के टाइम पर अंकल ने ना हमें उसमें से 2 या 3 ना उन्होंने हमें छोटे साइज़ के दे दिए, तो अभी हम उसको चेंज करवाने जा रहे हैं, बड़ा लेके आएंगे। अगर नहीं हुआ तो देखते हैं जैसा होगा देखा जाएगा। खैर अभी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर चलते हैं, आप लोगों से फिर आके मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं आज के ब्लॉग में। वैसे मज़ा बहुत आने वाला है, ये ऐसे बने रहना। बिल्कुल सही जगह पहुंचाया पर्दे बदलवाने के लिए, तो अब ले लेते हैं हमारे पर्दे यहाँ। सो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, कोई ब्लॉग ना शूट किया, इतनी भीड़। पर्दे चेंज कराए, पर्दे ले लिए हैं, कचौड़ी खाई, मंगोश लिए, चिची ली और घर आ गया वापस। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, आवाज़ आ रही होगी घर पर नॉइस ठक ठक ठक, क्योंकि घर पर काम हो रहा है। ओह भाई साहब, अब ठीक है, चलो बढ़िया काम हुआ मेरा। अरे क्या हुआ था ना कि मेरे रूम का जो डोर है ना लॉक उसका, वो सही से ना लॉक नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा अंकल गेट वाले अंकल को बुलाया था वो ठीक कराने के लिए, और थोड़ा बहुत और भी काम था। छत पे अभी पत्थर लगने बाकी हैं, वो होना है सबसे पहले, छत पे पत्थर होगा, फिर उसके बाद 6-7 लाख का कुछ काम है वो होगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी जो होगा वो आगे ब्लॉग में पता चलेगा आपको। और एसी लगने हैं, 6 एसी लगने हैं, बट उसमें से अभी हमने बोला है कि अभी सिर्फ 2 लगवा लो, मतलब डैडी के रूम में, मम्मी डैडी और भैया भाभी के रूम में, कि मेन वो है अभी वहाँ लगवा लो। तो डैडी बोल रहे कि मैं अभी सबके ही रूम में लगवा देता हूँ ना, सादिक मेरे भी और जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं, तो मना कर दिया हमने कि हम दोनों के रूम में छोड़ दो, चाहे किसी में भी लगा लो, क्योंकि हम खुद के पैसों से लगवा लेंगे, खुद कमाएंगे खुद लगा लेंगे, आप अपने रूम में लगवा लो। तो सादिक भी ये कह रहा है कि मैं खुद अपने पैसों से लगवा लूँगा, भाई कमाता है तो ऑफ कोर्स ही लगाएगा खुद, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कमाते हैं तो हम भी खुद लगा लेंगे। खैर अभी मेरी पेमेंट आ जाएगी ना, तो मम्मी को मुझे एक बहुत बड़ी अलमारी दिलवानी है। वैसे तो मैंने कल अलमारी के लिए बात की थी एक अंकल से, घर पर आए थे उनको बुलवाया था, तो उन्होंने बोला कि 60-70 हज़ार में पूरी वॉल की जो होती है ना, पूरी दीवार की जो अलमारी होती है वो बन जाएगी। तो डैडी बोल रहे कि देखते हैं अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करना। तो मैं अभी अश भाई गए थे देखने के लिए सोफ़ा बेड वगैरह, क्योंकि मुझे सोफ़ा चाहिए, मतलब सोफ़े चाहिए और बेड भी चाहिए, 3 बेड चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए, मतलब सोफ़ा सेट में हमें 3-3 चाहिए, बट अभी हम एक ही लेंगे सबसे नीचे वाले के लिए, फिर उसके बाद धीरे 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 करके लेते रहेंगे। सो या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अब घर का काम शुरू हो जाएगा, काम भी बहुत सारे वो, तो मैं भी इस चीज़ में स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मुझे अभी अपना रूम डेकोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो
तो अम्मी तो मुझसे कह रही है कि तू अपना रूम डेकोर करना शुरू कर दे, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी उस रूम में फिर काम भी शुरू हो जाएगा, विंडोज़ का काम शुरू होगा, फिर तुम्हारा जो और पेंटिंग काम है वो भी शुरू हो जाएगा, तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो अम्मी कह रही नहीं होगी, तू बस अब अपना सामान खरीद के ला डेकोरेशन के लिए, लाइक वैनिटी और बेड वगैरह, झूले वगैरह लेके आ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, एक एक प्रॉपर वीडियो आएगी मेरे रूम का जब डेकोर होगा। सो या अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और इनके ऊपर करेंगे फिर प्रैंक, देखते हैं क्या होता है। तो यह भी थोड़ी मुझे अपने फ्लोर की साफ सफाई भी करनी है, गंदा हो गया सारा, लकड़ी 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 का काम हो गया। हाँ तो सबसे पहले तो एसी ही लगवाना है मुझे। भाई यार क्या मौसम हो रहा है ना, इतना सुंदर इतना सुंदर, माशाल्लाह क्या वाइब आ रही है। अब खुद देखो क्या लग रहा है यार, व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है ना। मेरा एक मतलब बहुत दिल कर रहा है बस यही रहते रहो, बहुत ज़्यादा यार। ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, और यहाँ कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा प्यारा है ना ये देखो। हाय मतलब एक अलग ही मौसम है। और पता है कितने लोग पतंग वतंग उड़ाते रहते हैं ना, मेरा तो दिल करता है 15 अगस्त का तो हमारा एक बहुत ही अलग एकदम ज़बरदस्त प्लान है। यहाँ मैं इनायत के साथ कर रहा हूँ तगड़ा वाला प्रैंक। सुंदर है ना, अगर बादल को देखो, अगर बादल को ऐसे करेंगे ना वो देखो कितना बड़ा बादल, तो फिर ना बादल ना हमारे घर आने लग जाएंगे। इन्नू का स्कूल ओ बेटे, तुम्हारा स्कूल कौन सा बता? येलो और रेड कलर है वो है इन्नू का स्कूल। मेरी खींची एक फोटो यहाँ पे लगाऊंगा, देखो कितनी अच्छी फोटो खींची है मेरे लाल ने। चल इन खड़ा हो रेल गाड़ी रेल एक गिरेगी आई। तो गाइस मैं कहता हूँ इन्नू पे एक प्रैंक, देखते उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या कहती है। इन्नू मैं जा रहा हूँ। एक सच्ची बात बताओ, इधर आओ इन्नू मैं जा रहा हूँ बाबू, इन्नू मैं जा रहा हूँ। अम्मे बहुत देर में आए, बुरी बात तेज नहीं मारते, रोने लगी अम्मा। अब वो नहीं करूँगा ना तो देखो ये कैसे रोएगी। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। सुन तो बाबू सच्ची बात सुन तो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ इनायत।
बात ना हो रहा, कुछ भी प्रैंक फेल हो गया मेरा। ये ऐसा वीडियो और बंद करके चले इनो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के घर। फोटो खींचूंगी। आटा का प्रैंक फेल कर दिया आटा ने मुझे ना उल्लू बना दी थी, उल्लू बना दिया था आटा ने, इसलिए मैंने ये सब किया है। चल अच्छा गाइस, मैंने उनको ना एकदम पागल बना दिया है, ना पागल की तरह सब कुछ कर दिया। मुझे भी पागल बनाएंगे सास सबसे, तो मुझे भी पागल बनाएंगे। भाई हम मेरी यहाँ बैठे हैं और ये यहाँ पे देखे हमने अपने स्कूल में सिखाया है डांस, अब ये हमें सिखाएंगी। चलो चलो चलो, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा समय, मेरी राहों में फूलों सा लगता है मेरा समय। तो गाइज यहाँ पे मैं कर रहा था इनायत के ऊपर प्रैंक कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर छोड़ के, बट वो प्रैंक हो चुका है फेल। हम इस प्रैंक में फेल हो चुके हैं। इनायत को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनायत को पता है उसकी आटा बाहर चला गया है, उसको छोड़ के नहीं जाएगी। तो इनायत तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें सच्ची लगा आटा चली जाएगी? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता आटा झूठ बोल लिया? मैंने सुन लिया था कि आटा मेरे साथ प्रैंक कर दिया। बहुत चलाक हो रही हो। चलो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, प्रेस कर देना। अभी प्रेस करने को दबाने को कह रही, प्रेस कर देना। तो चलो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड चैनल को तो अच्छे से जल्दी से सब्सक्राइब करोगे ही, और या जानो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आईडी यहां शो रहेगी, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो। ओके बाय कर दो, बाय, लव यू, बाय बाय।